हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होपफुली फाइन होंगे। मैं होप करता हूँ आज के दिन आपके लिए लॉजिकल एंड प्रॉफिटेबल गया होगा। आपने कुछ अच्छी ट्रेड्स करी होंगी। तो एक और वीडियो लेकर हम आपके सामने प्रेजेंट हैं। इस वीडियो में क्या डिस्कस करेंगे, हमेशा की तरह निफ्टी, बैंक निफ्टी और फाइनेंशियल निफ्टी के लेवल्स को डिस्कस करेंगे। हम ये डिस्कस करेंगे कल जब हमारा मार्केट ओपन होगा, कल हमारी इस अक्टूबर मंथ की मंथली एक्सपायरी है, हम उसे कैसे लॉजिकली डील करें। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। रोजाना की तरह हमारी जो प्रोसेस है दो पार्ट में डिवाइडेड रहेगी। फर्स्ट पार्ट में हम लोग लेवल्स के ऊपर फोकस करेंगे एंड सेकेंड पार्ट में हम जंप करेंगे ग्लोबल मार्केट की तरफ। उल्टा बोल दिया, तो फर्स्ट ग्लोबल मार्केट देखेंगे देन लेवल्स को देखेंगे। तो ग्लोबल मार्केट से स्टार्ट करते हैं। तो कल यूएस की जो मार्केट है पॉजिटिव नोट पर क्लोज हुई थी। डाउ 205 पॉइंट पॉजिटिव बंद हुई थी। नेस्डेक 121 पॉइंट पॉजिटिव बंद हुई थी। अगर यूरोपियन मार्केट देखें आपको मोस्टली मार्केट पॉजिटिव टेरिटरी में ही नज़र आएंगे। तो ग्लोबल जो मार्केट का मूड है वो इतना कोई नेगेटिव नहीं है, फ्लैट से लेकर पॉजिटिव है, बट हम प्रेशर में हैं। आज भी निफ्टी ने प्रेशर दिखाया, 159 पॉइंट नेगेटिव क्लोज हुई है। बैंक निफ्टी 319 पॉइंट नेगेटिव क्लोज हुई है। इन नेगेटिव क्लोजिंग में सबसे बुरी बात यह कि निफ्टी ने अपना 250 का लेवल गिव अप किया, जो बहुत कंसर्न की बात है, और बैंक निफ्टी ने 43,000 को गिव अप किया। तो वो इंडेक्सेज आज नेगेटिव ज़रूर बंद हुई हैं, बट बड़े इंपॉर्टेंट लेवल को गिव अप करके बंद हुई है, जो सबसे बड़ा नेगेटिव है आज के पूरे मार्केट का। अब ओवरऑल ट्रेंड की बात करें तो बैंक निफ्टी ने अपना एक इंपॉर्टेंट लेवल गिव अप किया और 43,000 के नीचे सस्टेन करती है। तो 42,500 एक लेवल है जो जल्द ही हम अचीव कर पाएंगे, उतना गिर सकती है। और बैंक निफ्टी में हल्का सा एक हेड एंड शोल्डर सा नज़र आ रहा था, जो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था। फ्राइडे उसका ब्रेकआउट हुआ था और आज फर्दर कंटिन्यू सेलिंग आई है और एटलीस्ट 19,000 के लेवल है जो हम देख सकते हैं, एटलीस्ट इतने लेवल आ सकते हैं। तो ओवरऑल ट्रेंड थोड़ा सा कंसर्निंग हो गया है। अब अगर हम आज के इंट्राडे की बात करें तो एक लेवल आपको दिया था 250 का लास्ट वीडियो, अगर आप रिफ़र करोगे। इसने यहाँ 250 ब्रेक किया देन सस्टेन किया, उसके बाद एंट्री ले सकते थे। टारगेट आपका 125 से 150 होता, जो अचीव हो गया था। तो एक ही एंट्री मिली थी लेवल्स के थ्रू। अगर हम बात करें बैंक निफ्टी को, अगर हम देखें ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। एक लेवल आपको दिया था 250 से लेकर 300 का जोन, यहाँ पर इसने ब्रेक किया, सस्टेन किया, तब आप पुट बाय कर सकते थे। 43,000 और 42,750 आपके टारगेट होते, दोनों यहाँ अचीव हो गए थे। एक ट्रेड तब ले सकते थे जब इसने 250 से 300 का जोन ब्रेक किया था 500 के टारगेट के साथ, बट 13 EMA बीच में आ रहा था, इसने 13 EMA तक का टारगेट अचीव किया और फर्दर सेलिंग आ गई। तो अगर आप 13 EMA पे एग्जिट कर गए तो इट्स अ गुड थिंग, अगर आप आगे का इंतज़ार कर रहे हो तो स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। तो ये आज के मार्केट का रिव्यू था। अब एक बार कल के डिस्कशन कर लेते हैं। तो जो हम लेवल्स डिस्कस करने वाले हैं ये स्पॉट के लेवल्स हैं, फ्यूचर्स के नहीं है। अगर इसमें एंट्री बनती है तो आप फ्यूचर्स में ट्रेड ले सकते हो या ऑप्शंस में ले सकते हो। ऑप्शंस में कौन से स्ट्राइक लोगे तो जस्ट आउट द मनी वाली ले सकते हो, जिसका डेल्टा नियर अबाउट 0.4 हो। अगर कोई बिगनर पहली बार ये वीडियो देख रहा है, 13 EMA क्या होता है, डेल्टा क्या होता है, ये कुछ भी नहीं पता आपको, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑलरेडी हम इस पर डिटेल और सिंप्लीफाइड वीडियो बना के चैनल पर अपलोड कर चुके हैं, आप उसे ज़रूर देखें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उन दोनों वीडियो का लिंक भी मिल जाएगा, और कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। सपोर्ट है 919,000, रेसिस्टेंस है 250 और 500। ऑप्शन सेलर 19,400 और पुट सेलर 18,900 के नीचे रह सकते हैं। अगर आप ऑप्शन बाय रहे हो तो ये आपके लेवल्स हैं जिनका आप यूटिलाइजेशन कर सकते हो कल के मार्केट में लॉजिकल ट्रेड करने के लिए। मैं एक बार चार्ट में बता देता हूँ। तो ये हमारी निफ्टी है जो काफ़ी वीक दिख रही है अभी। ग्लोबल मार्केट के मूड इतने कोई नेगेटिव नहीं है, हम ज़्यादा नेगेटिव हैं इस वक्त। वही है कि ग्लोबल मार्केट सिर्फ एक ओपनिंग डिसाइड करता है, ऐसे आज भी हम फ्लैट ओपनिंग हुए थे क्योंकि गैप डाउन ग्लोबल मार्केट ठीक था, बट एट द एंड फिर अपने ही लेवल काम आते हैं। तो गैप अप के साथ देख लेते हैं। तो गैप अप में जो लेवल आ रहा है वो आ रहा है 19,250 का, ये लेवल है। इसके नीचे ऊपर बराबर कहीं भी ओपन हो बट क्लोजिंग ऊपर दे दे, एक कैंडल सस्टेन करे, तो आप जस्ट आउट द मनी वाली कॉल बाय कर सकते हो। 300 और 400 आपके टारगेट होंगे। 400 का बेसिकली एक जोन है, 400 से 425 का ट्राई करें। अगर एक्सपायरी है, टाइम वैल्यू डिके तेजी से होता है, तो आप अगली एक्सपायरी की बाय करें जो नवंबर मंथ के फर्स्ट वीक की एक्सपायरी होगी वीकली, और क्लोजिंग नीचे दे, एक कैंडल सस्टेन करें तो पुट बाय कर सकते हैं जस्ट आउट द मनी वाली।
और टारगेट आपके हो जाएंगे 100 फर्स्ट और 19,000 सेकेंड। ये बात हुई टारगेट की। स्ट्राइक की स्टॉप लॉस क्या होगा? स्टॉप लॉस कॉल के केस में इसके 50 पॉइंट्स नीचे, पुट के केस में इसके 50 पॉइंट्स ऊपर हो जाएगा। प्रीमियम के टर्म में आप 20 पॉइंट्स नीचे लगा सकते हैं। एंड एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये आप ट्राई कीजिएगा अगली एक्सपायरी में। सो ट्रेड इन नेक्स्ट एक्सपायरी में लिख देता हूँ, तो ये बेटर रहेगा, टाइम वैल्यू टिकेगा, खतरा भी नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये था गैप अप का केस। दूसरा केस है फ्लैट का, निफ्टी क्लोज हुआ है 19,122 पे, तो यहीं कहीं पे ओपन हो जाएगी। अगर ओपन होती है तो 19,100 का एक लेवल आ रहा है, 100 का सॉरी, ये आ रहा है। तो इसको ब्रेक करती है, सस्टेन करती है ओपन होने के बाद, तो पुट बाय कर सकते हैं 19,000 के टारगेट के साथ। और यहाँ पर आती है, बाइंग सिग्नल बनाती है, तो कॉल बाय है और 250 आपका टारगेट हो जाएगा। तो ये था फ्लैट का केस। तीसरा है गैप डाउन का केस। गैप डाउन के केस में तो एक ही लेवल आ रहा है, वो है 19,000 का। तो इसको अगर ब्रेक करती है और सस्टेन करती है तो आप पुट बाय कर सकते हो, जस्ट आउट द मनी वाली 900 तक के टारगेट देख सकते हैं, 8,900 के। क्लोजिंग ऊपर दे, एक कैंडल सस्टेन करे तो आप कॉल बाय कर सकते हैं। और अगर आप कॉल बाय करेंगे, टारगेट आपके हो जाएंगे 19,100 और 250। तो ये था कि कल निफ्टी को गैप अप गैप डाउन और फ्लैट के केस में कैसे डील करना है। कल हमारी एक्सपायरी भी है, तो अगर हम इसकी ऑप्शन चेन को देखना चाहें, ऑप्शन चेन से 19,000 पे ही सबसे ज़्यादा पुट का हुआ ही नज़र आ रहा है। तो सबसे ज़्यादा पुट सेलर 19,000 पे बैठे, कॉल सेलर 200 पे भी हैं, 300 पे भी हैं। तो कॉल सेलर काफ़ी अग्रेसिवली आगे बढ़े हुए हैं, 500 पे सबसे ज़्यादा है अगर देखें, उसके बाद आपको 300 पे नज़र आएंगे, देन 200 पे नज़र आएंगे। तो अपसाइड बहुत ही कम नज़र आती हुई नज़र आ रही है, डाउनसाइड ही है। तो एक फ्लैट से लेकर नेगेटिव एक्सपायरी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर ग्लोबल मार्केट बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो जाता है, कुछ बहुत पॉजिटिव चीज़ आ जाती है, तो 250 के आसपास कहीं एक्सपायरी हो सकती है। और फ्लैट अगर मार्केट रहती है तो 19,000 से 19,200 के बीच में कहीं एक्सपायरी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और अगर कोई नेगेटिव न्यूज़ आ जाती है तो पुट सेलर ट्रैप हो सकते हैं और 19,000 के नीचे हल्की फुल्की हम एक्सपायरी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये था कल की निफ्टी का एनालिसिस। अब हम चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। सपोर्ट है 42.5, 42, रेसिस्टेंस 43 एंड 43.5। कॉल सेल 43.5 के अब पुट सेल 42.5 के नीचे कर सकते हैं। बायर से तो ये आपके लेवल्स रहे जिनका आप यूटिलाइजेशन ऑब्वियस है कल की मार्केट में कर सकते हो। मैं एक बार चार्ट में बता देता हूँ। तो गैप अप से स्टार्ट करते हैं। गैप अप में तो एक ही लेवल आ रहा है, हम सबको पता है 43,000 का, तो यही लेवल है। 43 के नीचे ऊपर कहीं भी खुले, बट क्लोजिंग ऊपर दे दे, एक कैंडल सस्टेन करे तो कॉल बाय, जस्ट आउट द मनी वाली आप कॉल बाय कर सकते हैं। टारगेट आपका 250 का राउंड हो जाएगा फर्स्ट टारगेट, तो आप 250 एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और अगेन इसमें भी नेक्स्ट एक्सपायरी की बाय कीजिएगा। और क्लोजिंग अगर नीचे देता है, एक कैंडल सस्टेन करता है, तो 700 से 750 का एक जोन आ रहा है, वो आपका टारगेट हो जाएगा। अगेन जस्ट आउट द मनी वाली नेक्स्ट एक्सपायरी की बाय करनी है। स्टॉप लॉस क्या होगा? स्टॉप लॉस कॉल के केस में इसके 100 पॉइंट्स नीचे हो जाएगा, स्टॉप लॉस पुट के केस में इसके 100 पॉइंट्स ऊपर हो जाएगा, प्रीमियम के टर्म में इसके 40 पॉइंट्स नीचे आप लगा सकते हैं। लेकिन अगेन ट्रेड इन नेक्स्ट एक्सपायरी, मैं बार बार ये चीज़ रिमाइंड करा रहा हूँ। अब हम चलते हैं आगे। हमारा अगला केस है फ्लैट का। फ्लैट के केस में मार्केट बैंक निफ्टी क्लोज हुई है 42,000, अगर हम एग्जैक्ट देखें तो 832 पे, तो यहीं कहीं पे ओपन हो सकती है। अगर यहाँ ओपन होती है तो 750 का लेवल नीचे आ रहा है और 43 का ऊपर आ रहा है, बीच में ओपन होगी। अगर इसको ब्रेक करके सस्टेन करती है तो 42,600 और 500 टारगेट के साथ पुट बाय है, और यहाँ पे बाइंग सिग्नल बनाती है तो 43,000 के टारगेट के साथ कॉल बाय आप कर सकते हैं। ये था फ्लैट का साइन, फ्लैट का केस सॉरी। अब लास्ट है गैप डाउन। गैप डाउन में जो लेवल आ रहा है वो आ रहा है 750 का जोन है, 750 से 700 का। इसको ब्रेक करके सस्टेन करे तो पुट बाय करेंगे, जस्ट आउट द मनी वाली 500 आपका टारगेट होगा। क्लोजिंग ऊपर दे, एक कैंडल सस्टेन करे तो हम कॉल बाय करेंगे, 43 आपका फर्स्ट और 43,250 के राउंड आपका सेकंड टारगेट हो जाएगा। अब कल हमारी बैंक निफ्टी की भी मंथली एक्सपायरी है। बैंक निफ्टी की मंथली एक्सपायरी अपनी
इसको ही होती है थर्सडे को ही। तो अगर हम बैंक निफ्टी में देखें तो ऑप्शन चेन से हमें जो नज़र आता है वो दिख रहा है, सपोर्ट हमारा 42,000 पे नज़र आ रहा है सबसे स्ट्रॉन्ग, 39.2 लाख का हुआ ये, और फिट 42,500 पे नज़र आ रहा है, तो काफ़ी नीचे नज़र आ रहा है बैंक निफ्टी में। रेसिस्टेंस हमें 43,500 और 43 पे नज़र आ रहा है, तो काफ़ी वाइडर रेंज नज़र आ रही है बैंक निफ्टी में। तो 42,500 की इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है, तो नेगेटिव के केस में 500 से 43,000 के बीच में एक्सपायरी हो सकती है, पॉजिटिव मार्केट के केस में 43 से 43,500 के बीच में एक्सपायरी हो सकती है। तो ये था कल निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस। फाइनेंशियल निफ्टी सपोर्ट है 19,000, रेसिस्टेंस है 250, 400 का जोन ऑफ 500, ऑप्शन बायर हो या सेलर हो आप दोनों के लेवल्स ये रहे। तो ये था हमारी कल की मंथली एक्सपायरी के रिगार्डिंग डिस्कशन। मैं होप करता हूँ ये डिस्कशन कल आपकी ज़रूर कुछ अच्छी ट्रेड करने में हेल्प करेगा। इसी विश के साथ आज की वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित हो तो लाइक ज़रूर करें, और हमेशा की तरह सजेशन रहेगा अपनी हार्ड एंड मनी से ट्रेड कर रहे हैं लॉजिक के साथ करें, और कोई भी ट्रेड लेने से पहले अपनी एनालिसिस ज़रूर करें और सीखते रहें। तो एंड करते हैं, हैप्पी ट्रेडिंग, थैंक यू वेरी मच।